मैं करिश्मा सिंह आज हम औरंगाबाद के एकमात्र नदी अदरी नदी के पास मौजूद हैं। जैसा कि हमें यहाँ के स्थानीय लोगों से पता चला है कि नगर परिषद द्वारा और स्थानीय लोगों के द्वारा नदी के बचाव में बहुत से कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल हम नदी के पास मौजूद हैं और नदी का हम हालात देख रहे हैं जो कि आज भी बहुत बुरा है। आसपास की घरों का कचरा नदी में ही आ रहा है, नदी में काफ़ी गंदगी है। जैसा कि आप देख सकते हैं सामने घरों का नाले के द्वारा कचरा भी नदी में ही आ रहा है, आसपास के पशु भी नदी में ही जाकर स्नान कर रहे हैं और काफ़ी गंदगी है। यहाँ पर काफ़ी स्थानीय लोग बैठे हुए हैं, हम इनसे बात करेंगे नदी के बारे में कि बचाव के लिए स्थानीय लोगों का क्या अब प्रयास है और नगर परिषद के द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है। आपका परिचय क्या हुआ, नाम क्या हुआ अंकल आपका? हमारा जी कुमार। नगर परिषद के द्वारा और स्थानीय लोगों के द्वारा औरंगाबाद का एकमात्र नदी है उसमें बचाव कार्य जारी है, क्या आपको लग रहा है कि उनका प्रयास कहां तक सफल है और कैसा काम चल रहा है? जैसा कि देखने में तो नदी आज भी काफ़ी गंदा है, घर के नदी नाले की जितने भी कचरा है आज भी नदी में आ रहा है, तो नगर परिषद के द्वारा क्या काम जारी है, कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है हमें? नहीं, गंदा तो है, कुछ नहीं, उनका कोई प्रयास नहीं है, कोई प्रयास नहीं है। सारा नाला का पानी इसी में आता है, नाला का पानी कभी अदरी नदी में गिरता है और कोई इस पर माने कि नहीं और वही लैट्रिन कहिए, गंदगी का पानी कहिए, कोई सफाई पर ध्यान नहीं है, कोई सफाई पर ध्यान नहीं है, लैट्रिन का पानी यही में गिरता है, पूरे शहर लैट्रिन बगल में है, होटल से लेकर वहाँ तक सब यही में नदी में गिरता है। छठ पूजा महत्व का पूजा है, छठ पर्व का कुछ दिन पहले तो जैसा कि छठ पूजा हुआ था उस वक्त सफाई हुआ था, उसके बीच में सफाई नहीं हुआ, जब मतलब पर्व त्योहार आता तब सफाई करते हैं, ऐसा कोई इस पे ध्यान नहीं है, किसी का ध्यान नहीं है। कोई एनजीओ के द्वारा भी यहाँ पे काम चल रहा है, जैसा कि लोग आते हैं बताते हैं कि काम चालू है, लेकिन ऐसा कुछ देखने को तो नहीं मिलता है। नहीं, शादी ब्याह होगा वो अपने आप को सफाई करेगा, जो शादी करवा रहा है वही सफाई करवाता है, कोई होती नहीं। अब सरकारी पैसा लेते हैं, 10,000 विधायक बना थे रमधा सिंह, उसको 10,000 चार्ज किए हैं, जब वो कहे थे कि 2500 लेना है, हम जरिया हो गया कमाए के बना समुदाय सभा। आपका कहना है कि उनका कमाने का जरिया है लेकिन नदी के विकास में और इसमें कोई प्रयास जारी है, नदी के बचाव के लिए कोई प्रयास जारी नहीं है, कोई जरिया नहीं है। क्या हुआ अंकल, आप यहाँ के स्थानीय यहीं के हैं, क्या नदी के बचाव के लिए कोई कार्य जारी है, नगर परिषद का ध्यान है इस ओर? कोई ध्यान नहीं है। कुछ दिन पहले तो त्योहार था, छठ पूजा था, तो काफी सफाई दिख रहा था, लेकिन आज तो हाल बहुत ही गंदा सारा है, मैला पर साफ किया जाता है, उसके बाद नहीं। ऐसे बीच में कोई ध्यान नहीं है, कोई देखने भी नहीं आते हैं, कोई नहीं देखने। आप लोग तो यहाँ आसपास रहते हैं, क्या आप लोग का कोई प्रयास है बचाव के लिए या कोई गंदगी साफ करने के लिए? गंदगी सब गंदगी तो हम लोग बचाव कुछ कर सकते हैं, नगर परिषद को करना है। हाँ, नगर परिषद को तो करना है, फिर भी आप स्थानीय लोग हैं तो कभी आवाज उठाइए, कभी बातचीत कीजिए। तो हम लोग का करेंगे, नगर परिषद को साफ करना, तो कंप्लेन की जगह तो कंप्लेन आप लोग कभी किए हैं? हम लोग आप लोग का तो जनता का हक होता है कि हम लोग अपना कंप्लेन करें, कोई भी असुविधा है, कोई भी कमी महसूस, कंप्लेन के कोई देखता है? कंप्लेन के कोई नहीं देखता है, खाली कह देता है कि मैंने कंप्लेन कर रहे हैं। आप कभी प्रयास किए हैं? आप भी जा रहे हैं, लेके जा रहे हैं तो उन्हें रख दीजिएगा, हम लोग तो बहुत हुआ है, प्रयास तो बहुत हुआ लेकिन हुए रहा है, अपना अपना खर्चा नहीं, कुछ कैमरा सामने ही आना बोला। लोग युवा लोग हैं, कल के भविष्य हैं, आप यहाँ के स्थानीय भी हैं, क्या आप लोग कोई कदम उठा रहे हैं? एक ही नदी है आपके शहर का बचाव के लिए, तो हम लोग अपना सब मिलकर कमेटी और जो भी सवा हुआ है उसका है और जो भी गंदा उंदा है कोई मतलब नहीं है, मतलब जो भी कमेटी था हम लोग का मतलब हटा दिया। कमेटी के द्वारा आप लोग साफ सफाई रखते थे? नहीं, अपना लेकिन मतलब अपने जितने युवा लोग हैं करते थे, इतना जो गंदा लगा ना लकड़ी भी नहीं था। अभी नगर परिषद का कोई ध्यान नहीं है इस ओर, उन लोग का कमेटी अदरी नदी के पास का इलाका है। देखिए यहाँ पे कितनी गंदगी है, नदी को नाले में परिवर्तित कर दिया गया है, आस पास काफी जानवर पशु भी बैठे हुए हैं,
देखिए कितनी गंदगी है आसपास के इलाके में, जो कि जाकर नदी में मिल जाता है और नदी इससे गंदी होती है। और जैसा कि स्थानीय लोगों का कहना था, नगर परिषद के द्वारा कोई भी प्रयास नहीं है नदी के बचाव के लिए, जो कि हमारे शहर का एकमात्र नदी है। क्या नाम हुआ भैया, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रंजीत राम हुआ। आप यहाँ पे यहीं के स्थानीय लोग हैं जी? ये नदी के आसपास का हम इलाका काफी गंदा देख रहे हैं, और नगर परिषद का कहना है कि उनका काम जारी है, लेकिन स्थानीय लोगों के द्वारा हमें पता चला है कि कोई भी काम नहीं है, उनका कोई ध्यान नहीं है। और ऐसा हम लोग भी देख रहे हैं, काफी गंदा है, नदी की पानी भी काफी गंदा है, पशु भी उसी में नहा रहे हैं, आसपास के घरों का कचरा भी उसी में आ रहा है। आपका क्या कहना है कि नगर परिषद का ध्यान है? नगर परिषद अगर ध्यान नहीं रहता तो इधर रोड पर कचरा गिरता, देख ही रहे रोड पर कचरा गिर रहा, और रोड पर कचरा गिरे के हिसाब से अगर नदी में पूरा इतना गंदगी फैल गया कि हम लोग गरीब आदमी जब पड़े यहाँ कर, हम लोग का चापाकल है, मोटर है कि नहाएंगे, जाते हैं नदी में नहाएं। नदी के ही पानी आप लोग यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, और उसका पानी इतना गंदा, तो आप लोग को तो काफी प्रॉब्लम हो रहा होगा। बहुत बहुत दिक्कत है, खुजली कल का लेकर हो जाता है, चारों पट्टी महल्ला पूरा फैल जाता है। कोई कंप्लेन किए आप लोग नगर परिषद में? कोई नहीं सुनता मैडम, 50 बार हम लोग कंप्लेन किए हुए हैं, कोई नहीं सुनता है। दिल्ली का ठिकाना है हुआ है, यहीं कचरा रोड पर गिरने के बोलता है, हम लोग मना करते हैं, कहता है कि हम लोग पुलिस में जाएंगे, थाना को बुलाता है। वो लोग भी बोलते हैं प्रशासन का, मतलब आपको धमकी देते हैं, बताते हैं? धमकी देता है हम लोग की, लोग बराबर पुलिस को बुला देता है तुरंत। नगर परिषद का कोई ध्यान नहीं है? कोई भी ध्यान नहीं है, यहाँ कर्मचारी है दय बाबू जीते हुए हैं चेयरमैन से, उनको 50 बार माना किए, तो वो बोला है ना कि तुम जगह दो, हम गिरा रहे हैं कचरा, तो हम कहाँ उनको जगह देंगे, हम लोग को तो कुछ जगह नहीं है, घर द्वार नहीं है, हम लोग का तो घर द्वार रहता तो घर झूले रहते हैं, वही पर रोड पर कचरा गिर रहा है, वो घर तोड़वा दिया गया, तो जैसे घर तोड़ के हम इन्हें आगे मरे नहीं आगे, घर को वहाँ से आपको हटा कर वहाँ पे कचरा गिरा रहे हैं, गिरा रहे हैं। और ऐसा कह रहे हैं, समाज में सूचना दे रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं कि हम लोग काफी काम कर रहे हैं, यहाँ देखने पे तो हालात बहुत गंदा है। कोई यहाँ काम नहीं हो रहा मैडम, कोई काम नहीं हो रहा है, देखिए यहाँ कितना गरीबी हालत है, नदी का हालत देखिए, हम लोग खुद मर रहे हैं, कल कल खुद भी हो जा रहा है, बाल बच्चों को सब हम लोग मर रहे हैं, नहाना पीना में चापा कल भी नहीं है, वो मोटर भी नहीं है, मोटर की भी सुविधा नहीं, हम लोग तो देख ही रहे हैं नदी का पानी काफी गंदा, अगर उसका यूज करेंगे काफी बीमारी से हम लोग ग्रसित हो जाएंगे। क्या कोई आप लोग कुछ कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, कहीं कुछ सोचा है तो आगे क्या करेंगे अगर ऐसा ही रहा तो? हम लोग का कोई देखने ताकने वाला नहीं है, कोई नगर परिषद हो गया, डीएम, कोई नहीं देखते हैं, हम लोग डांट कर भगा देते हैं, हटा देते हैं, हम लोग छोटा जाते हैं, नहीं बोलते हैं, कहते हैं कि लोग बहुत चढ़ बढ़ के बोलता है, जाओ हटो जाओ। नहीं, जात से नहीं मतलब है, हम यहाँ से जनता है, हमारा हक है किसी चीज के प्रति आवाज उठाना, गलत चीजों के प्रति आवाज उठाना, तो आप क्यों नहीं बोलेंगे, बोलना आपको बनता है, आप बोल लीजिए। बोलते हैं तो डांट के भगा देते हैं मैडम, क्या करें, हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, पढ़ा रहे हैं, पढ़े लिखे नहीं, नगर निगम में काम करते हैं, 330 रुपया हाजिरी मिलता है, उसमें पैसा बढ़ाने के लिए ठेकेदार कहते हैं, तो ठेकेदार कहता है कि हटा देंगे, हमेशा धमकी देता है हटा देंगे। शासन का ध्यान है किस ओर, ना नगर परिषद का ध्यान उस ओर, ना सफाई के लिए कोई कार्य किया जा रहा है। जब कोई भी त्यौहार आता है, छठ पर्व आता है, तो लोग ध्यान देते हैं, साफ सफाई करवाते हैं, फिर आए दिन यहाँ के हालात वैसे ही हो जाता है। जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, कैमरामैन अंकित के साथ मैं करिश्मा सिंह, सिटी न्यूज़, औरंगाबाद बिहार।